बिहार के सहरसा जिले से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां शुक्रवार को दिन दहाड़े बाइक सवार बदमाशों ने ई रिक्शा चालक को जमीनी विवाद में गोली मारकर जख्मी कर दिया। घटना सहरसा जिले के बोनगांव थाना अंतर्गत रहुआ नहर के चिमनी के पास की बताई जा रही है। वही घटना की सूचना मिलते ही बनगांव थाना अध्यक्ष प्रमोद कुमार झा दल बल के साथ सदर अस्पताल पहुंचकर जख्मी का बयान लेकर तफ्तीश में जुटी। मिली जानकारी के अनुसार जख्मी का नाम संतोष कुमार गुप्ता है, जो ई रिक्शा चलाकर अपना जीवन यापन करता है। जख्मी बनगांव थाना क्षेत्र के बरियाही बाजार वार्ड नंबर 5 का रहने वाला बताया जा रहा है। आज जख्मी ई रिक्शा चलाकर अपने घर बरियाही बाजार वापस जा रहा था, जहां रास्ते में बाइक सवार बदमाशों ने पैर में गोली मारकर जख्मी कर दिया। आनन फानन में सूचना मिलते ही परिजनों ने जख्मी को नजदीक के PHC ले गए, जहां डॉक्टर ने बेहतर इलाज के लिए सदर अस्पताल रेफर कर दिया, जहां जख्मी इलाजरत है। वहीं इस घटना को लेकर जख्मी संतोष कुमार गुप्ता ने बताया कि ई रिक्शा चलाकर घर जा रहे थे। रास्ते में चिमनी के पास दिलीप कुमार गुप्ता और उनका पुत्र सोनू कुमार गुप्ता गोली मारकर फरार हो गए। गोली हमको पैर में लग गई, उसके बाद घर फोन कर सूचना दिए। सूचना मिलते ही परिवार के लोग आए और हमको जख्मी हालत में लेकर सदर अस्पताल पहुंचाया, जहां हम इलाजरत है। उन्होंने ये भी बताया कि 15 साल से दिलीप कुमार गुप्ता जमीनी विवाद चल रहा है और बार बार हमको धमकी भी दे रहा था, तुमको गोली मरवा देंगे, और आज घटना कर दिया मेरे साथ, हम गरीब आदमी हैं। वहीं गोली की घटना को लेकर बनगांव थाना अध्यक्ष प्रमोद झा की माने तो सूचना मिली थी कि गोली की घटना घटी है, अभी जांच के लिए है, जमीनी विवाद में गोली मारी गई है, जांच की जा रही है, जांच के बाद ही पता चल पाएगा गोली संतोष कुमार गुप्ता को लगी है। हम रिक्शा चलाबै छी, सहरसा से चला के घर जाइत रहिए चिमनी लग आके, दिलीप प्रसाद गुप्ता ओकर बेटा सोनू छोटका जे छै मोटका ओ आके गोली मारि के भागि गेलै सर। हम तऽ छटपटाबैत रहि गेलियै, लोक सब ओतऽ पर नहि अयलै, घर फोन करलियै तऽ हमरा उठा कऽ बढ़िया सदर हॉस्पिटल लए गेलै, ओतऽसँ एक्सरे करा कऽ ओतऽसँ रेफर करि कऽ हमरा लेलकै। आ 15 साल से हमरा जमीनी विवाद छै, बार बार हमरा धमकी दैत रहै सर, तोरा गोली मरवा देबो, गरीब आदमी छी, हमरा गाड़ी में तू सुती छी, एना छी ओना छी, कहकर बार बार देख रहे आई हमरा अंजाम दा देलकै सर। की नाम भेल अहाँके? हमर नाम भेल संतोष प्रसाद गुप्ता, पिताजी के नाम भेल स्वर्ग भुवनेश्वर प्रसाद गुप्ता, वार्ड नंबर 5 में रहै छी बड़ियाही बाजार। कटे सूचना मिली थी, हम जांच करने के लिए आए हैं, जमीनी विवाद का मैटर पता चल रहा है, जांच के बाद ही पता चल पाएगा कि क्या सही है। किसको गोली लगी है, कौन हो? गुप्ता करके बताया है, हम लोग संतोष गुप्ता। क्या कौन है ये? बरियाही में घर है इनका और जमीनी विवाद है इनका चल रहा है, रिंकू बस्त्रालय से। कितनी गोली चली है? एक गोली बताया। कहाँ लगी है? पैर में, दहना पैर में। खोखा भी बरामद हुआ है सर? खोखा भी एक अपने बोले कि खोखा वहाँ गिरा हुआ था, अपने पास में रखा हुआ। जांच के बाद ही पता चल पाएगा कि क्या सही है क्या गलत।